यूपी के प्रतापगढ़ में एक जाने माने न्यूज़ चैनल का पत्रकार दो दिन पहले अपनी जान को खतरा बताते हुए एडीजी और एसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग करता है और दो दिन बाद संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती है। पुलिस की अपनी थ्योरी है, वो बताती है कि पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की सड़क हादसे में मौत हुई है। दिनांक 13/6/2021 को रात्रि 10:11 के बीच सुलभ श्रीवास्तव एबीपी न्यूज के सम्मानित पत्रकार हैं। वह लालगंज से मीडिया कवरेज कर प्रतापगढ़ की ओर वापस आ रहे थे। कटरा चौराहे के पास में स्थित ईंट के भट्ठे के पास मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गए थे। वहां पर मौजूद मजदूरों द्वारा उन्हें उठाकर किनारे किया गया और उनके मोबाइल फोन में मौजूद कॉन्टैक्ट लिस्ट के आधार पर संबंधित को सूचित करते हुए एम्बुलेंस को ही बुलवाया गया था और एम्बुलेंस से वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। खैर, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि अपनी बेबाक पत्रकारिता को लेकर जाने गए एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल से जुड़े पत्रकार सुलभ को किससे खतरा था और क्या प्रतापगढ़ में फ़कत सुलभ ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने एक खबर चलाने की कीमत का अंदाज़ा लगा लिया था और पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। बल्कि इनके अलावा एक और भी एक दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी जान को खतरा जताते हुए सुरक्षा की मांग की है, मगर उन्हें अभी तक सुरक्षा नहीं मिली है। अब हम आपको बताते हैं कि एनकाउंटर पुलिस के नाम पर वाहवाही लूटने वाले सीएम योगी और उनके राज के एनकाउंटर करने वाली पुलिस के रहते हुए एक पत्रकार की जान को आखिर किससे खतरा था। तो वो खतरा था प्रतापगढ़ के शराब माफियाओं से, क्योंकि तमाम खतरे झेल कर आपके बीच सुलभ शराब माफियाओं का सच तो ले आए थे, मगर तभी से उन्हें उनके सूत्रों से ये जानकारी मिल रही थी कि शराब माफिया उनकी हत्या कर सकते हैं। इसलिए उनके द्वारा प्रयागराज जोन के एडीजी को पत्र लिखकर शराब माफियाओं के हाथों हत्या का अंदेशा जताया था और अफसोस, उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी गई। इतना ही नहीं, मिली जानकारी के अनुसार अभी तक खबर छापने के कारण शराब माफियाओं से अपनी जान को खतरा जता चुके दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार धीरेंद्र प्रताप सिंह को भी पुलिस के अधिकारियों ने सुरक्षा मुहैया नहीं कराई है। सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले दो दिनों से, कल घटना के दो दिन पूर्व से ही लगातार सुलभ श्रीवास्तव जी अपने जान और माल की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। मंडल के प्रयागराज मंडल के पुलिस अधिकारी एडीजी से, जिले के कप्तान से लगातार ये बता रहे थे कि हम जो खबर दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं और लिख रहे हैं, इन खबरों से नाराज होकर जो प्रशासन का और शराब माफियाओं का गठजोड़ है वो लगातार इनको धमकी दे रहा है और किसी भी समय किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हो सकती है। इन सब के बावजूद भी पुलिस प्रशासन द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया और इसको गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसका परिणाम कल रात में हम लोगों को देखने को मिला। अब आप यूपी के जाने माने पत्रकार बृजेश मिश्रा के ट्वीट का ये स्क्रीनशॉट देखिए, जिसमें लिखा है, प्रतापगढ़ में टीवी पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की अत्यंत बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। वारदात शराब माफियाओं ने कराई है। शराब माफियाओं का आतंक इस कदर है कि पुलिस अधिकारी तक छुट्टी पर चले गए। प्रतापगढ़ में शराब माफियाओं पर सरकार ने कार्रवाई नहीं की, इसका अंजाम पत्रकार को भुगतना पड़ा। हालांकि इस पूरे मामले पर प्रतापगढ़ पुलिस की थ्योरी इस ट्वीट से बिल्कुल जुदा है। पुलिस दावा करती है कि कटरा इलाके में उनकी बाइक के साथ हादसा हुआ है। गाड़ी तो नहीं लड़ गई है? गाड़ी तो नहीं टकरा गई है। गड़िया देखे तो आप? गड़िया आप देखे? कहाँ देखे अभी? बारिश की वजह से सड़क पर फिसलन थी, जिस वजह से बाइक पलटने की आशंका जताई जा रही है। सुलभ के सर पर गंभीर चोटें आई हैं। ये हादसा उस वक्त हुआ जब सुलभ क्राइम ब्रांच द्वारा अपराधियों को पकड़ने जाने की खबर कवरेज कर घर लौट रहे थे। मनीष जी, आप लोग कहाँ से लौटे थे? हम लोग एक असलाह फैक्ट्री का जो है पुलिस ने जो है खुलासा किया था, उसी को लेकर के हम लोग लालगंज गए थे। मैं और न्यूज 18 के रिपोर्टर रोहित सिंह दोनों लोग साथ पहुँचे थे। तो जब हम लोग वहाँ पर लालगंज पहुँचे थे तो मेरे पीछे की सीट पर जो है सुलभ श्रीवास्तव बैठे मिले। तो सुलभ से मैंने पूछा कि तुम कैसे? तो कहन कि तुमने अगर मुझको बताया होता तो मैं यहाँ ना आता। और वापस लौटते समय जो है सुलभ श्रीवास्तव हम लोगों से आगे आगे थे, तो हम लोगों ने इनको रोक करके जो है कहा कि साथ में खाना खा के हम लोग वापस चलते हैं प्रतापगढ़।
सकरा सुंदरपुर के आसपास की घटना है। उसके बाद जब हम लोग आगे पहुंच गए कटरा चौराहे के पास, जब हम लोग पहुंचे तो रोहित सिंह के नंबर पर कॉल आया कि सुलभ का एक्सीडेंट हो गया है भारत भट्टे के पास में। तो हम और रोहित सिंह जो है बिना खाना खाए वहाँ पर सीधा वापस गए जो है भारत भट्टे पर। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये सुलभ श्रीवास्तव ज़मीन पर लेटे हुए थे। उसके बाद फिर मैंने जो है कई लोगों के पास कॉल किया कि सुलभ को किसी तरीके से हम लोग हॉस्पिटल पहुँचाएँ, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। उसके बाद फिर जो है हम लोगों ने किसी तरीके से 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था की। मैं सुलभ के साथ जो है सीधा जो है हॉस्पिटल पहुँचा और रास्ते में ही मैंने जो है ADG के पास भी फ़ोन किया और उनको पूरी घटना के बारे में जानकारी दी कि इनका एक्सीडेंट हो गया और इनकी स्थिति ख़राब है। और जहां पर अस्पताल पहुंचने के बाद जो है डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित किया है। गंभीर रूप से घायल हुए सुलभ को अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। हादसा बीती रात करीब 9:30 बजे हुआ। ये हादसा था या कुछ और, इसकी बारीकी से जांच की ज़रूरत है। मगर यहां सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बताने वाले CM योगी के राज में शराब माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद कैसे हुए कि एक पत्रकार को खबर चलाने के बाद अधिकारी से सुरक्षा की मांग करनी पड़ी। नहीं, अब सुलभ के परिवार को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी उन स्थानीय पत्रकारों की भी है जो आए दिन खबरें चलाकर अपने लोकल क्षेत्र में नए नए दुश्मन पैदा करते हैं। उन्हें चाहिए कि इस घटना की विशुद्ध जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, साथ ही आगे किसी पत्रकार को ऐसे डर के साए में जीने को मजबूर ना होना पड़े। Time24 न्यूज़ के लिए प्रतापगढ़ से धीरेन्द्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।